कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा में सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने जनता की कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया, इसके पाप के कारण सरकार गिर गई। वही सीएम ने आगे कहा कि जनता कमलनाथ को इस चुनाव में अपना जवाब देगी। साथ ही सीएम ने कहा कि कटनी जिले में 10 सीएम राइज स्कूल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात भी कही। सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा ताकि गरीब के बेटा बेटी को हम प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल दे सके, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए। ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। इनके लिए अनेक सुविधाएं जो छीन ली थी कमलनाथ कहीं कह रहे थे मेरा पाप क्या था, मेरी सरकार गिरा दी। तुम्हारा पाप बताता हूं कमलनाथ जी, अरे 15 महीने के लिए तुम्हारी सरकार आई तब सबसे बड़ा पाप तुमने किया था, मेरी संबल योजना बंद कर दी थी। हम संबल योजना में भगवान न करे लेकिन कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता था और मौत होती थी तो 4 लाख रुपया देते थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। सामान्य वर्ग पर 2 लाख देते थे, बंद कर दिए। अरे और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे, कमलनाथ जी आपने तो गरीबों के कफन के 5,000 रुपया भी छीन लिए थे, ये तुम्हारा पाप था। और ऐसे एक पाप नहीं, हम बेटियों की शादी कराते थे कन्यादान, कमलनाथ जी आपके राज में शादी हुई एक ढेला बेटियों को नहीं दिया। कमलनाथ जी तुमने बेगा भागिया सहरिया उन बहनों का 1,000 रुपया हम देते थे हर महीने, वो बंद कर दिया।